विशालिनी वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग कॉर्नर विशालिनी। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ मीशो से परचेज किए हुए कुछ बहुत ही खूबसूरत से सीक्वेंस बेस की साड़ियों का रिव्यू। ये बिल्कुल पार्टी वियर साड़ियाँ होने वाली हैं, आपकी किसी भी फंक्शन पार्टी के लिए बहुत परफेक्ट होने वाली हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलने वाली हैं। सो अगर आज के हॉल में मैं जो भी साड़ियाँ दिखाती हूँ आपको पसंद आता है, आप उन्हें परचेज करना चाहते हो, तो उसका आपको कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप वहाँ से जाके इजीली सर्च करके कोड के थ्रू आप इन साड़ियों को परचेज कर सकते हो। एंड साथ ही साथ मैंने दे दिया है रेफरल लिंक भी अपना, अगर आप उसके थ्रू मीशो को डाउनलोड करके इन साड़ियों को परचेज करते हो तो आपको मैक्सिमम 100 रुपीज़ का या 30% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो आपको कम प्राइस में ये साड़ियाँ और भी मिल जाएंगी, और भी कम प्राइस में मिल जाएंगी जितने में मैंने परचेज़ किया है। सो अगर आज की साड़ियों का कलेक्शन पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इन्हें परचेज कर सकते हो। एंड बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के साड़ियों का रिव्यू। सो गाइज, इस हाल की मैंने फर्स्ट साड़ी पिक की है, वो आपको ब्लैक एंड मरून सेट की साड़ी मिल जाएगी। इसकी ओरिजिनल इमेज एंड प्राइस आपको साइड में दिख जाएगी। ये इस हॉल की सबसे कम प्राइस वाली साड़ी है। सो मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ। सो फर्स्टली साड़ी का जो फैब्रिक है वो आपको मिल जाएगा लाइक्रा फैब्रिक की ये साड़ी है, तो आपका सेप बहुत खूबसूरत उभर के आएगा। बाकी मैं साड़ी का आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये आपको मरून एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इस तरीके का बॉर्डर, पूरे सीक्वेंस वाली बॉर्डर आपको साड़ी के चारों तरफ मिलेगी। ये आंचल का साइड में आपको शो कर रही हूँ, इस तरीके से है आंचल के दोनों कॉर्नर में। इस तरीके से आपको मिल जाता है सीक्वेंस बहुत फाइनली इन्होंने अटैच किया हुआ है, बिल्कुल भी रफली नहीं दिख रहा है। बाकी जो मटेरियल है ना, ये आपको थोड़ा सा ब्राशो वाला जो वर्क होता है ना लाइक्रा पे, ये ब्राशो वाला वर्क डिज़ाइन बनाया गया है, तो ये प्रॉपर नहीं लाइट कर रहा। जब शाइन इस पर लाइट पड़ रहा है ना तब ये शाइन कर रहा है, थोड़ा सा डार्क एंड लाइट कलर का शाइन जा रहा है इसका। सो ओवरऑल साड़ी आपको इस तरीके से सीक्वेंस वाली मिल जाएगी, पूरी लास्ट तक जाएगा सीक्वेंस। एंड आपको 5.5 मीटर की साड़ी मिल रही है। इसमें जो ब्लाउज इन्होंने दिया है ना वो फुल्ली आपको सीक्वेंस वर्क का ब्लाउज दिया है। सो बहुत खूबसूरत सा इसका ब्लाउज बनेगा एंड साड़ी के साथ मैच करके ना बहुत कमाल का लुक मिलने वाला है। सो इस तरीके से ओवरऑल आपको मिल जाता है 80 सेंटीमीटर का ये पीस मिल रहा है। वेलवेट का फैब्रिक है, उसके ऊपर आपको पूरा सीक्वेंस का वर्क मिल रहा है। सो इस ब्लाउज को आप चाहो तो किसी और भी ड्रेस के साथ, किसी और भी साड़ी के साथ, लहंगे के साथ पेयर करोगे ना तो बहुत कमाल का लुक मिलेगा। तो इस तरीके का पूरा सीक्वेंस वाला ये मिल जाता है ब्लाउज का फैब्रिक। साड़ी का मटेरियल लाइक्रा है एंड बहुत कंफर्टेबल है, बहुत लाइट वेट है एंड आपका फिगर इस वाले फैब्रिक में ना बहुत खूबसूरत उभर के आता है। तो मैंने ये नीचे का साइड आपको दिखा दिया, इतना सा छोड़ा है इन्होंने लास्ट में ड्रैपिंग के लिए, उसके बाद यहाँ से दिया हुआ है इन्होंने बॉर्डर। साथ ही साथ ऊपर की साइड में जहाँ से हम पल्लू क्रिएट करते हैं ना, वहाँ से भी इन्होंने ये वाला बॉर्डर लगा के दिया हुआ है। प्लीट्स के अंदर बॉर्डर नहीं आ रहा है, सो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लीट्स के अंदर अगर आता तो ये इचिंग वाली प्रॉब्लम क्रिएट करता, पर इस तरीके का है नहीं बिल्कुल भी। आपको सिंपली यहाँ से फ्रंट वाले साइड से ही मिल रहा है। सो बहुत खूबसूरत सा लुक है एंड बहुत ईजिली कैरी करने वाली साड़ी है, बहुत कमाल की है। इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। मैंने ब्लैक एंड मरून का शेड पिक किया है, आई थिंक रेड था, ब्लू था। सो आप चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कोड दे रखा है, अगर पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। 10 out of 10 इसकी मार्किंग मैंने दी हुई है। सो ये रहा मेरे फर्स्ट साड़ी, अभी मूव ऑन करते हैं हम सेकेंड की तरफ। सो गाइस, जो सेकेंड साड़ी मैंने ली है ना अराउंड 550 के आसपास की थी। ओरिजिनल प्राइस इमेज आपको साइड में दिख रही होगी। ये आपको बहुत खूबसूरत से दो कलर ऑप्शंस थे, मैंने इसमें रेड चूज़ किया था, बट मुझे ये प्रॉपर रेड नहीं रिसीव हुआ है। थोड़ा सा जिस तरीके का कलर उन्होंने शो किया था ना उस पर वेबसाइट के ऊपर, मीशो ऐप के ऊपर, उस तरीके का कलर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, मरूनी शेड में आया है, उसमें उन्होंने प्रॉपर रेड से शेयर किया था इमेज में। सो पहले मैं इसकी मटेरियल बताऊँ, बहुत लाइट वेट वाला ये आपको मिल जाता है जॉर्जेट मटेरियल। एंड इसमें आपको ब्लाउज का फैब्रिक जो रिसीव हो रहा है वो है बैंगलोरी सिल्क वाला, ओके है, बहुत ज़्यादा रिच क्वालिटी का नहीं है, मीडियम क्वालिटी का इन्होंने दिया हुआ है, सी थ्रू है एंड कोई एक्स्ट्रा इस पर वर्क भी नहीं है।
तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे किसी दूसरे साड़ी ब्लाउज के साथ पेयर करोगे तो ज़्यादा खूबसूरत लुक मिलेगा। अदरवाइज अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास तो स्टिच करा सकते हो लाइनिंग के साथ, अच्छा सा ब्लाउज डिज़ाइनर तो भी बहुत सुंदर लगने वाला है। सो ये रहा ब्लाउज का फैब्रिक, 80 सेंटीमीटर प्रोवाइड किया हुआ है बट क्वालिटी मीडियम है इसकी। सो ये रहा ब्लाउज। अभी मूव ऑन करते हैं साड़ी की तरफ। तो साड़ी जो रिसीव हो रही है वो बहुत खूबसूरत सी साड़ी है, साड़ी में कोई कमी नहीं है, बस कलर का थोड़ा सा इन्होंने मिसमैच किया है कलर में। बाकी आपको मैं ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। फुल्ली सीक्वेंस वाली ये भी साड़ी है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे आप देख सकते हो ना ये पूरा टेसल्स वाला इन्होंने बॉर्डर लगा के दिया हुआ है साड़ी के ऊपर। ये आपको मिल जाता है ऊपर के साइड में जहाँ से आप आँचल लेते हो, एंड पूरी जो साड़ी है ना उसमें आपको इस तरीके से लाइनिंग मिल जा रही है सीक्वेंस की। रेड साड़ी के ऊपर रेड सीक्वेंस का काम है तो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है, डिसेंट सा आपको इसमें शाइन मिलेगा एंड बहुत स्मार्ट सा लुक मिलेगा। ओवरऑल साड़ी इस तरीके की जा रही है आपको, ऐसा नहीं है कि घुटने से नीचे तक का ही बस वर्क दिया है, पूरी साड़ी में इन्होंने वर्क करके दिया है। बहुत खूबसूरत लुक आ रहा है इसको पहनने के बाद, एंड ना बहुत ईजिली ये आप कैरी कर सकते हो। अगर आप न्यूली मैरिड हो तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में साड़ी कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, बट आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। या फिर गर्ल हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो, किसी शादी में आपको कुछ अच्छा सा पहनने का मन कर रहा है तो आप इस वाली साड़ी के साथ जा सकते हो, बहुत खूबसूरत सा लुक मिलेगा। मैंने इसे ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया है। आप कोई भी अलग कंट्रास्ट लगा के पेयर करोगे ना तो बहुत कमाल का आएगा लुक। बाकी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दी हुई है, कलर ऑप्शन इसमें ब्लैक भी था बट मैंने ये रेड चूज़ किया था। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, साड़ी बहुत खूबसूरत है। प्राइस के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो ये भी 10 out of 10 है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग दी हुई है एंड प्राइस भी आप देख ही सकते हो कितना अफोर्डेबल प्राइस में था। सो दिस इज़ माई सेकेंड साड़ी। अभी मूव ऑन करते हैं। इस हॉल की लास्ट साड़ी मैंने पिक की है, वो ब्लैक एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है। ये जितनी भी मैंने साड़ियाँ दिखाई है ना ये मीशो की ट्रेंडिंग साड़ियों का कलेक्शन मैं आपको शो कर रही हूँ। सो इस तरीके का आपको बहुत ही प्यारा सा फुल्ली ओवरऑल साड़ी में आपको सीक्वेंस का वर्क मिलेगा, कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ा है, पूरा सीक्वेंस से भरी हुई साड़ी ही आपको रिसीव हो रही है। इसमें आपको गोल्डन एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया है, सो बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं अगर आपको चाहिए तो ये आप इजीली कैरी कर सकते हो। थोड़ा सा ये गोल्डन वाला ज़्यादा शाइन कर रहा है, बाकी ब्लैक वाला तो बस लाइट पड़ने पे ही शाइन कर रहा है। सो मैं आपको पहले इसका ब्लाउज का फैब्रिक दिखा दूँ। इस तरीके का ब्लैक कलर का बैंगलोरी सिल्क मटेरियल का ब्लाउज का फैब्रिक मिल रहा है, 80 सेंटीमीटर है, बिल्कुल प्लेन है, कोई वर्क नहीं है इस पर, सिंपल सा है। तो आप इससे अच्छा सा ब्लाउज अपने डिज़ाइन के हिसाब से क्रिएट करवा सकते हो। इनफ आपको फैब्रिक रिसीव होता है, इजीली बन जाएगा 38 बस साइज के लोगों को। सो ये रहा ब्लाउज का फैब्रिक, ओके ओके क्वालिटी का है बट साड़ी की जो क्वालिटी है ना वो बहुत अमेजिंग है। इसका जो मटेरियल इन्होंने जिसके ऊपर सीक्वेंस अटैच किया है वो प्रॉपर आपको जॉर्जेट का, बहुत सॉफ्ट वाले जॉर्जेट का मिल रहा है। तो जॉर्जेट के ऊपर पूरा इन्होंने सीक्वेंस का वर्क कर रखा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आँचल का साइड, सो इस तरीके से स्टार्ट है। यहाँ पे हल्की सी इन्होंने बैक साइड में पाइपिंग दी हुई है ताकि जो हमारा साड़ी का बेस है ना वो उभड़े ना, तो इस तरीके से दिया हुआ है साड़ी का सीक्वेंस का पूरा वर्क। ओवरऑल साड़ी इसी तरीके से है, कहीं भी कोई कमी नहीं रखी इन्होंने सीक्वेंस की, एंड काम भी बहुत अच्छी क्वालिटी का किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि रफली दिख रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंग कंपेयर करें ना तो आज की तीनों साड़ियाँ 10 out of 10 है, बिकॉज कोई मतलब एक ब्लाउज के फैब्रिक में हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी साड़ियाँ बहुत अमेजिंग क्वालिटी का है। इतना सा इन्होंने साइड में रखा हुआ है खाली ताकि आप इजीली ड्रैप करो, उठने बैठने में आपको चुभे ना, तो ये चुभने वाले साइड को इन्होंने छोड़ के बाकी ओवरऑल साड़ी में आपको इस तरीके का सीक्वेंस का वर्क मिल रहा है। इसका कोड भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसमें भी आपको ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हो। मैंने ब्लैक लिया है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, साथ ही साथ इनकी प्राइसिंग बहुत अफोर्डेबल है। अगर वेडिंग वेस्ट आप कहीं जा रहे हो तो इन साड़ियों को कैरी करके जाओगे, आपको बहुत कमाल का लुक मिलेगा एंड आपका बजट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। बजट फ्रेंडली साड़ियाँ हैं ये आज की हॉल की, तो आप डेफिनेटली इन्हें परचेज कर सकते हो। सो ये रही मेरी आज की साड़ियाँ। अगर आपको पसंद आई होंगी, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा लाइक अगर पसंद आई होगी तो, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आती रहूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।